हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी योर खुशी पहाड़ी ब्लॉग। सो देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज ही मुझे जाना है बेटी के इंजेक्शन लगाने। तो मेरे साथ जाएंगे ममता दीदी के ससुर, और ये दिव्यांशी को मैंने सो के उठा दिया, उसका खाना यहाँ पे है सुबह का, और ये सोई हुई थी रात को हमें परेशान करती है तो मैं इसे खाना खिला रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे यहाँ इंजेक्शन लगेगा, तो मैं देखना चाहती थी किस तरह से लगेगा। तो इसे हम खाना भी खिला देते हैं साथ साथ में, और जल्दी जल्दी रेडी भी कर लेते हैं। ये रात भर बिल्कुल सोने नहीं देती मुझे और ममता दी को, अगर ये रोती है तो गोलू भी उड़ जाता है। सो अभी ये सो के इतनी गहरी नींद में सोई थी, हमें डिस्टर्ब करने के बाद ये सुबह सोई रहती है इतनी गहरी नींद में। शिकायत लगा रही शिकायत। सो हाय कर दो बाबू। तो मैंने इसे गहरी नींद से उठाया भी, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल रेडी हो चुकी हूँ और जाने के लिए रेडी हुई हूँ। तो फटाफट से आज बना था आलू के पराठे और विद पास्ता की चटनी एंड क्रीम है इसमें। सो अभी मैं इसे खिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद इसको रेडी करने के बाद। को ये वाली टी शर्ट पहना रही हूँ जो उसको कनाडा से आई थी, एंड इसमें देखिए इस तरह से टैग लगता है 18 to 24 मंथ की ये टी शर्ट है, और इसमें लिखा है आई हैव द बेस्ट ब्रदर एवर। तो मैं इसे ये पहना रही हूँ क्योंकि इंजेक्शन उसके हैंड पे लगेगा एंड लेग्स में लगेंगे, तो इसलिए मैं इस तरह से मैं उसको ये वाला पहना रही हूँ, और ये लेगी जैसा सलवार पहना रही हूँ जिससे मुझे ईजिली खोलने में कोई वो ना प्रॉब्लम हो। दिव्यांशी ये रही, खाना इसने थोड़ा सा खाया, अभी नहीं खा रही, तो मैं आके अभी तो जितना थोड़ा खिला दिया खा लिया इसने, दूध पी लिया, थोड़ा सा खाई रोटी, उसके बाद आके फिर खिलाऊंगी। खा नहीं रही ना, वो सो के उठी हुई है। प्रियांशिका को रेडी कर दिया है, आप देख सकते हो बोतल से पानी पी रही है और काफ़ी हैप्पी लग रही है। तो यहाँ पे ये ऐसे घर से ऐसे सामान बिखरा है, ये मेरी अलमारी है, दी ने मुझे दे रखी है, तो इसमें से मैं इसका वो निकाल लेती हूँ, ये हैंग की ले जाती हूँ, एक जो जो मुझे ले जाना है मैं वो रख लेती हूँ। तो इस साइड इस पर्स से निकालना पड़ेगा मुझे इसका कार्ड, कार्ड के बिना तो होगा नहीं गुजारा। तो ये रहा कार्ड, आप देख सकते हो इस कार्ड से ही लगेगा इसे इंजेक्शन। तो ये है कार्ड, इस कार्ड से लगेगा, और दिव्यांशिका को मैंने रेडी कर दिया है, और इसे एक स्वेटर ऐसे पहना दूँगी क्योंकि ये थोड़ा इसको ठंडी लग जा रहा है, वैसे तो गर्मी बहुत हो रही है लेकिन बच्चों के लिए तो ठंडी ही लगती है, तो इसलिए मैं एक स्वेटर भी इसको पहना दूँगी अभी, या उधर पहना दूँगी इंजेक्शन के बाद। डुगू। सो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये रहा, अभी थोड़ा घर मैसी मैसी उस हो रहा है, थोड़ा झाड़ू पोछा लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी पूरा घर का रूम का टूर। तो ये सीढ़ी है ऊपर जाने की, और यहाँ पर सिर्फ 5 दिन हुए और ये 5 दिन में इतना खड़ा हो गया है। सो इतनी फास्ट हुआ काम किया है लेबरों ने। तो यहाँ पे फ्रंट में घर बन रहा है, और ये थोड़ा आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे ऐसे चिपका सा है, ये बगल में है, तो कमरा बहुत बड़ा है इनका। तो इस तरह से धूप यहाँ इतनी तेज़ हो जाती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। सेम जैसे ऊपर का कमरे ना, नीचे भी सेम वैसे ही हैं, और अभी मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। और हम निकल रहे हैं, तो ये ममता दी कभी नहीं आती वीडियो। चलो चलो चलो। सो ये नाई नहीं है तो बुंदा लगा देना। मैं किसी पार्टी तो नहीं है, इससे आधी बाल्टी छिड़ जाएगी, उसका भी एक बार चेक कर ले। चलो चेक कर लेते हैं, एक काम और पोटी वाला कर दिया। मतलब तेरी नाव बड़े तेज है यार, चुन्नी टट्टी करके बैठ गई। तो पहले इसका फोटो साफ कर लेते हैं। और ये ममता दी के ससुर हैं, पापा जी हाय कर दो। तो ये ममता दी के ससुर हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम इस तरह के ऑटो में बैठ रही हूँ। अच्छा, ऐसा ऑटो यहीं पे देखा है। तो आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, फ्रंट से तो मैं हूँ, मतलब बैक से दिखाती। देखिए बैठ चुकी है डुबू, तो इंजेक्शन लगेगा आज। डू नॉट टॉक टू विद मी बट स्माइल प्लीज। ऑटो चल दिया गया है,
फिर से, और मुझे अब तो ममता जी का घर का जो लोकेशन है वो सारी दिमाग में याद होगी, मैं अकेले भी आ सकती हूँ। अभी मैं मिलती हूँ आपसे जब सरकारी हॉस्पिटल आ जाए। सरकारी हॉस्पिटल ये इधर का ऐसा है, और ये मस्जिद है पीछे, आयुष्मान कुछ लिखा है शायद। तो ये है हॉस्पिटल। चलो मैं अंदर से कैमरा ऑन नहीं करती, यहाँ का पता नहीं कैसा है, तो मैं बंद कर देती हूँ। इंजेक्शन लगाया है और ये भी अच्छी काफ़ी लोग थोड़ा सा रोई और बैठ गई घर जाने के लिए। बहुत फास्ट था, पता भी चला कब से इंजेक्शन लिया, कब से थोड़ा रोई। किराया था 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ मेरे 10 रुपीज़ पापा जी के, पापा जी ने आगे दिव्यांशी को बहुत लाया और मुझे ममता जी के ससुर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं काश मेरे भी ऐसे ससुर होते, वो एम जी इतने अच्छे हैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी तारीफ हर मोहल्ला वाला करते हैं, मोहल्ले वाले। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, ममता जी के ससुर काफ़ी कोऑपरेटिव है और मुझे कह रहे थे कि आपको वीडियोज़ बनानी होगी आप बना लेना, तो बहुत अच्छी लगी। सबके ससुर इस तरह से होते तो मज़ा ही होता था। मंदिर है, आऊँगी इस मंदिर में भी आपको दर्शन दिखाऊँगी, दर्शन मैं भी पहली बार लूँगी, आपको भी दर्शन दिखाऊँगी। सो अब घर की तरफ चल रहे हैं हम। सो बस इंजेक्शन लगाना था और तो कुछ नहीं। सो टाइम पास के लिए वीडियो बना लो जिससे आपका भी ध्यान भटके, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ना आए। शॉप पे आ चुकी हूँ और ये अंकल मुझे जाने लग गए आजकल। अंकल गुजराती में बोलो, क्या बोलो, खुशी या कुछ भी ऐसे मेरा नाम बोलो। गुजराती नहीं है और तू उर्दू वाला है? उर्दू वाला है, उर्दू खुशी देना गुजराती हम अच्छा नहीं क्या है? अच्छा ये अंकल मुसलमान है? मुस्लिम अंकल आप? नहीं आप गुजराती है? वो भी हिंदू है। अच्छा अंकल हाय कर दो। कहाँ से आप आए? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये क्या मतलब? मेरी सिस्टर का घर है। वो हर रोज मंदिर आता है, ये अम्मा जी मंदिर में ना, हर रोज आएगा। अच्छा पापा जी मंदिर में, वो लड़का के लेके आता है। अच्छा यहाँ मंदिर भी है कहीं? यहाँ से आगे जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ भी दिखा देती हूँ मार्केट, उत्तराखंड में उत्तरा गुजराती मार्केट। उसको इंजेक्शन लगा के आई थी ना बेटी को, तो पापा जी साथ में आए थे। सो मैं जा रही शॉर्टकट से, यहाँ से शॉर्टकट ममता जी ने रास्ता दिखाया था, यहीं से दिखाया था, यहीं से दिखाया था शायद, तो यहीं से शॉर्टकट ले रही हूँ। यहाँ से दीवार फांग के जाना है। सो बचपन के दिन याद आ गए और ये बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें लिए, खाली हाथ जाने का मन नहीं था ना, तो यहाँ से अब दीवार फांगनी है। दीवार फांगनी अब सामान यहाँ रख देती हूँ। कैसे चलूँगी? सो ये दीवार फांग दी है, यहाँ बैठ गई हूँ, अब यहीं से ऊपर की तरफ चल दूँगी। यहाँ से शॉर्टकट है सीधा, फिर दीवार फांगूंगी ऐसे, बस आ गई, चप्पल खोले इधर को आ गई, बैग रख दी यहाँ पे, नीचे को चलती हूँ। ममता जी साइड में नीचे ही है, पापा जी मैं आ गई शॉर्टकट मार के। हाँ चिज्जी दूंगी मैं, टेन 45 हो गए नीचे वाला। ममता दी
हेलो चिची, खाना खिला रही थी, इसका रिएक्शन। दुद्दू दुद्दू आजा, दुद्दू पीना है। मेरी बेटी खुद से दूध पी रही है और बड़े मजे से पी रही है। सो ये देखिए, बच्चे अपने आप ही सीखते हैं ना, तो देखिए मेरी बेटी भी अपने आप दूध पीना सीख रही है। उसको अपने हाथ से खुद पीने का मन करता है काफ़ी बार, तो मैं ऐसे लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है तो उसको ऐसे हाथ पे दे देती हूँ ताकि बेड पे ना गिरे और उस पर ना गिरे, तो इस वजह से वो पी रही है अभी। यार गाइस, हमने खाना खा लिया है और मैंने डुडू को दवा भी खिला दी है, और यहाँ मम्मा जी बैठे हैं, वो गुल्लू मुझे देख रहे तिरछी निगाहों से। गुल्लू ने भी खा लिया, डुडू ने भी खा लिया। मैंने सिर्फ सैलेड खाया है, अभी खाना नहीं खाया। सो खा पी के हम थोड़ा सो जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगी चाय पे। और ब्लॉग कल से मैं अच्छे से बनाऊंगी, प्रॉपर से। मेरा ऐसा होता है ना कि घर में क्या शूट करूं डेली, तो उस वजह से मैं ना ब्लॉग नहीं बना पाती। बट अगर आपको ब्लॉग कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलती होगी कुछ सो के उठने के बाद 4 PM, चाय में मिलती हूँ आपसे। तो ये थोड़ा एक्सरसाइज करने का वक्त हो गया, तो मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ आज दिन के साथ, और डुगू भी हमारी एक्सरसाइज कर रही है, वो देखो एक्सरसाइज। और 5:05 हो गए, तो 5:30 या 6 बजे तक नीचे किचन तक जाएंगे, तब तक हम भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मेरे साथ नहीं है, वो दादाजी के बाद है, पर मेरे साथ रोलू आ गया जो मस्ती कर रहा है बहुत ज्यादा। मेरे बालों का क्या हाल कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आज मेरी मुंशी को फोड़ी दिया, बोलू आजा फिर से मस्ती करते हैं। मैंने फोड़ दी, ये मेरे ट्रैवल करते वक्त हुआ था, मैंने इसमें बहुत कुछ लगाया, मैंने लगा सही हो जाएगा, बट आज मैंने इसे फोड़ा तो इसमें से पीप निकला, यानी कि ये इसे फोड़ना जरूरी था, वरना ये अपने आप ठीक नहीं होता। सब्जी बन गई, रोटी बन गई है, और अब हम जाएंगे थोड़ी देर बाद छत के ऊपर, या मैं टीवी देखूंगी। मुझे लगातार मारो आप, मुझे मारोगे, मारोगे मुझे, मारोगे मुझे। आप देख सकते हो मेरे पिंपल को किस तरह से फोड़ा है, जो कि मेरा हो गया था। तो यहाँ से छत काफ़ी अच्छी लग रही है घूमने के लिए। अब मैं आपको शाम के खाने पे मिलूँगी, फिर मिलूँगी बाहर। हमने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया है, बट हम घूमने नहीं जा सकते क्योंकि दिव्यांशी को जो इंजेक्शन लगे थे उसके बाद से वो थोड़ा सा रो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, तो मुझे आज घर पर ही इसके साथ रहना पड़ेगा। तो आज हम नहीं घूमने जा रहे हैं, हम कल जाएंगे। चलो सो देंगे, दवा खाएंगे। बाय, गुड नाइट।